अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपका वेलकम। तारीखी एतबार से टिल्ला जोगिया मकाम की क्या हैसियत है और इस मकाम पर कौन कौन सी तारीखी अशिया मौजूद हैं? मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री देखने से पहले मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टिल्ला जोगिया बाजार एक आम सी इबादत गाह नजर आती है, मगर तारीख के गिर्द आलूद सफहत पलटे जाए तो इस टिल्ले से लिपटी तहरीर की नित नई दास्तानें सामने आती हैं। टिल्ला जोगिया जिला जहलम में एक तारीखी और मशहूर जगह है जो बहुत से टूरिस्ट को असारिक की धीमियां और ऊंचाई पर होने की वजह से अपनी तरफ मतवज्जे करती है। यहाँ के मंदिर, समाधि, तालाब और घने अशजार सभी से तारीख के बड़े नाम जुड़े हैं। टिल्ला जोगिया की ऊंचाई सतह समंदर से 3200 फीट है। मुख्तलिफ मोरखीन टिल्ला जोगिया से वाबस्ता तारीख को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि पोटोहार के मुसन्नफ अजीज मलक लिखते हैं कि कदीम जमाने में किसी हिंदू महापुरुष ने यहाँ कोई इबादतगाह बनाई थी। सूफी मोहम्मद दीन जार तज़किरा जहलम में लिखते हैं कि कदीम जमाने में यहाँ सूरज की पूजा होती थी और कदीम किताब रगवीद के कुछ मंडल और मंत्र भी यहीं कहीं तख्लीक हुए। यूनान में 46 ईस्वी में पैदा होने वाले मोरख पलूटार्च के मुताबिक यह टिला सिकंदर आजम की आमद के वक्त भी मौजूद था और अपने मजामीन में वो इसे सूरज के लिए मुकदस टिला यानी हिल स्केयर टू सन के नाम से पुकारते हैं। अलेक्जेंडर किंगहम अपनी किताब में लिखता है के पलूटार्च के मुताबिक 326 कबल मसीह में जब राजा पूर्व सिकंदर आजम के साथ मुकाबला की तैयारियां कर रहा था तो इसका हाथी सूरज की मुकद्दस पहाड़ी पर चढ़ गया और इंसान की आवाज में पूरस से दरख्वास्त की कि वो सिकंदर के मुकाबला पर ना उतरे और इस पहाड़ी को हाथी की पहाड़ी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। इसका जिक्र मारूफ मुसन्नफ मुस्तनसर हुसैन तारण ने भी अपने नावल में किया। तारीख जहलम के मुताबिक टिल्ला जोगियों को माजी में कोह बालनाथ भी कहा जाता था। बाबा गुरु नानक, बाबा गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु बालनाथ, राजा सलवाहन, राजा भारत हरि, सिकंदर आजम, मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर, गर्ज के हर अहद के सलातीन और हर मजहब के पेशवाओं ने यहाँ हाजिरी दी। इस टिले से वाबस्ता सबसे मशहूर किस्सा रांझा का है। इस टिले पर रांझे ने हीर के इश्क में अपने कान छिदवाए और जोग लिया। इस टिले से वाबस्ता एक दिलचस्प दास्तान पूरन भगत की भी है। पंजाब की लोक कहानियां किताब में सियालकोट के एक राजा सलवाहन की कहानी भी बयान की गई है जिसमें भी टिल्ला जोगियों के मकाम का जिक्र किया गया। इस पहाड़ की बुलंद चोटी पर बैठकर दिनों, महीनों और बरसों का हिसाब किया जाता। इसके लिए वो चढ़ते सूरज की शुआएं नाप तोलकर दोपहर में कुदरती घड़ियाल बनाते थे। माजी में हर साल इस पहाड़ पर बड़ी धूमधाम के साथ शिवा का मेला मुनक्कद किया जाता था जिसका शुमार इंडिया के बड़े मेलों में होता था। रवायात के मुताबिक इसी जगह पर गुरु नानक ने चिल्ला किया था। इसी मुकाम पर एक यादगार कायम की गई जो हैरत अंगेज तौर पर मजारे कायदे आजम से मुशाबत रखती है। इस इमारत को गुरु नानक की याद के तौर पर महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने 16वीं सदी ईस्वी में दो बार इस मुकद्दस पहाड़ का दौरा किया और इन जोगियों के लिए अजीमो शान तालाब बनवाया। तस्के जहांगीरी से भी पता चलता है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने 1607 में कश्मीर जाते हुए जब किला रोहतास में पड़ाव किया तो शिकार की गर्ज से टिल्ला पर आया और यहाँ दरबार भी लगाया। मियां अतीक अहमद के मुताबिक आर्याओं की भी पहली क्यामगाह वादी जहलम थी, क्योंकि आर्या कौम चांद, सूरज और सितारों को मानने वाले थे, इसलिए इनकी इबादत के लिए टिले का ऊंचा मकाम ही बेहतरीन ठिकाना हो सकता था। मियां अतीक के मुताबिक इस अहम असारे कदीमिया की तबाही इन लोगों के हाथों से हुई जो यहाँ खजाना ढूंढने आते और इन अहम आसार को खोद डालते। दोस्तों, अब बात करते हैं टिल्ला जोगियों के मुकाम के बारे में और यहाँ पर पहुँचने वाले रास्तों के बारे में और रास्ते में पेश आने वाले मसाइल के बारे में। टिल्ला जोगिया किला रोहतास से तकरीबन 25 किलोमीटर है, मगर ये सारा रास्ता कच्चा, पत्थरों वाला और सुनसान है। एक दूसरा रास्ता किला रोहतास से ही निकलकर देहातू, जंडाला, बिंग्याल और चाहमीरा में से गुजरता हुआ किला रोहतास और हून अमवाला से आने वाले रास्ते से मिलकर टिल्ला जोगिया की जानब जाता है, जिसका फासला भी तकरीबन 26 किलोमीटर है। मगर यह रास्ता चूंकि देहातू से गुजर कर आता है इसलिए किला रोहतास से आने वाले रास्ते से मलाब तक ये रास्ता ठीक है, मगर इसके बाद तकरीबन 6 किलोमीटर रास्ता खराब है। तीसरा रास्ता हून हमवाला गांव की तरफ से आता है और इस गांव के आगे भी रास्ता तकरीबन 10 किलोमीटर खराब है। जिस जानब से भी आए आपको खराब रास्ता की सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ेगी। रास्ता इतना खराब है कि जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं और कांटे इतने सख्त हैं कि टायर के पंचर होने का भी खदशा होता है। यहाँ पर ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है जिसकी वजह से हमें काफी परेशानी का सामना है, हमारी बाइक पंचर हो चुकी है।
और पंचर बाइक को ही हम इस तरह आगे लेके जा रहे हैं। मगर फिर भी ये रास्ता पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है। जब भी आप टिल्ला जोगियां पर जाएं तो अपने पास पंप और पंचर का सामान और कुछ खाने पीने का सामान जरूर ले जाएं। रास्ता में और टिल्ला जोगियां पर आपको पंचर लगाने या खाने पीने की सहूलियात मुयसर ना होगी। पुरखतर रास्ते के साथ साथ इसके नज़ारे भी काबिले दीद हैं। चोटी पर खड़े होकर नीचे देहातों के नज़ारे, उड़ते हुए परिंदों को देखने के नज़ारे, दरख्तों, पत्थरों, तिरछे टेढ़े पे दर पे पहाड़ों और गहराइयों साथ बहते नाले के नज़ारे हैरत में मुब्तला कर देते हैं। ये रास्ता बल खाते हुए टिल्ला जोगियां पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। टिल्ला जोगियां मुकाम पर कुछ पुराने खंडराट, मकबरे, नमाज समाधियां, दरसगाह, तालाब और गार मौजूद हैं। यहां पर एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है जिसमें टूरिस्ट के रात ठहरने का बंदोबस्त भी हो जाता है, और अगर कोई टूरिस्ट कैंप लगाना चाहे तो भी ग्राउंड में कैंप लगाने की सहूलत होती है। रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने कुछ खंडराट हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि किसी जमाने में ये दरसगाह होती थी। लंगर खाना का भी इंतजाम था, जो कि अक्सर लोग इस जगह को लंगर खाना जाहिर करते हैं। लंगर खाने के साथ बनी सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने पर कुछ समाधियां नजर आती हैं। दरमियान में एक बड़ी और चारों साइडों पर छोटी छोटी समाधियां बनी हुई हैं, जिनके अंदर नक्शोनगार किए गए हैं। खस्ता हाली और आग जलाने की वजह से छतें स्याह हो चुकी हैं, मगर फिर भी कुछ नक्शोनगार दिखाई देते हैं। इन खंडराट के साथ कुछ फासला पर एक तालाब भी बना हुआ है, जो तारीख के मुताबिक मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने तामीर करवाया था और बड़ी नफासत के साथ बनाया गया था। तालाब की एक साइड पर सीढ़ियों के ऊपर चबूतरे बने हैं जिनके अंदर भी नक्शोनगार किए गए हैं, और ये मीनार इंतहाई महारत के साथ तामीर किए गए। इस तालाब को काफी खूबसूरती से डेकोरेशन किया गया था, जो इसकी सीढ़ियां चारों कोनों में है और इसके पिलर वगैरह बनाए गए थे, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ सारा खस्ता हाल में है। पिलर के अंदर ये काफ़ी खूबसूरत नक्शोनगार किए गए थे, और ये उस दौर का सीमेंट लगा हुआ है, ईंटें वगैरह लगी हुई हैं, सारा प्लास्टर किया गया है और काफ़ी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया था। टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है, बड़ा एंजॉय वाला माहौल है यहाँ पे, लेकिन रास्ता थोड़ा सा दुश्वार है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे यहाँ पे रास्ते को बेहतर करने के लिए, तो बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं और गवर्नमेंट को बहुत सा रेवेन्यू भी यहाँ से इकट्ठा हो सकता है। तालाब में कुछ स्टेप्स भी बनाए गए हैं और एक साइड पर बैठने के लिए स्पेशल निशिस्त बनाई गई, जबकि तालाब में एक साइड पर नजर आने वाली बिल्डिंग पर तीन बुत बनाए गए जो कि टूट चुके हैं, मगर इनकी टांगे और पांव के निशानात वाजे बताते हैं कि यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग में ये बुत थे। और इसके साथ ही एक बिल्डिंग भी है जो शायद अलहदा हमाम के लिए इस्तेमाल होती हो। इस तालाब में पानी को जमा करने का जरिया नालियों से था। बारिश होती तो पानी इतराज से इन नालियों में गिरता और इन नालियों से होता हुआ इस बड़े तालाब में आता, जो कि तालाब के चारों इतराफ में नालियों को अब भी देखा जा सकता है। छोटे छोटे नालियां बनाई गई हैं जो पहाड़ियों के ऊपर से बारिशों का पानी इकट्ठा करने के लिए हैं। यहाँ से इन रास्तों के जरिए
इन तालाबों में पानी आता, और ये छोटा तालाब है और इस तालाब से पानी गुजरता हुआ नीचे जो बड़ा तालाब है वहाँ पर पानी जाता था। इस बड़े तालाब के साथ एक छोटा तालाब और कुछ हाउस भी बने हुए हैं। इनमें बड़ी बड़ी नालियां बनाई गई थी। शायद इनका मकसद ये था कि जब बारिश के साथ गदरा पानी आए तो पहले इन छोटे तालाबों में पानी को स्टोर किया जाए और जब मिट्टी नीचे बैठ जाए तो पानी के साफ होने पर बड़े तालाबों में गिराया जाए। बाजार देखने से तो ऐसा ही लगता है। इस तालाब के साथ साथ भी कुछ समाधियां मौजूद हैं। जब आप तालाब के पास पहुंचे तो इसके ऊपर जाना ना भूलें। अगर आप टिल्ला जोगिया का असल नजारा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर की तरफ पैदल हाइकिंग करें या बाइक पर भी आप जा सकते हैं। और ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ शेड भी लगाए गए हैं ताकि आप सख्त धूप और गर्मी में इन शेड्स के नीचे खड़े होकर बआसानी इतराफ के मनाजर को देख सकें। इन शेड्स के पास से गुजरते हुए फिर नीचे की तरफ सफर करें तो थोड़ी देर चलने के बाद आपको पत्थरों से जुड़ी हुई सीढ़ियां नजर आएंगी। इन पर चढ़ाई करने से आप बिल्कुल चोटी पर पहुंच जाएंगे। इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए आपको एक गार भी दिखाई देगी जो बहुत छोटी गार है जिसमें बामुश्किल कोई शख्स बैठ सकता है। इस चोटी के बिल्कुल ऊपर एक और खंडर मिलता है जिसकी तीन अतराफ दीवारें टूट चुकी हैं। एक दीवार सालम जबकि दो दीवारें थोड़ी थोड़ी रह चुकी हैं। ये आसार जिस दौर के भी हैं इस दौर के कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। मौजूदा दौर में तमाम ईंटें एक ही सांचे में डाली जाती हैं, तमाम पत्थर एक ही तर्ज के तराश कर लगाए जाते हैं, मगर इन पत्थरों को बगौर से देखें तो कोई भी पत्थर लंबाई चौड़ाई और मोटाई में एक साइज का नहीं, मगर इनको एक तरतीब के साथ रखा गया। फिर उस वक्त जो भी मटेरियल इस्तेमाल होता था से बड़ी महारत के साथ दीवारों और छतों को प्लस्तर किया गया और तमाम दीवारें एक लेवल पर हैं। कोहिस्तान नमक में टिला जोगिया का मकाम आसपास के इलाकों में बुलंद तरीन मकाम है जिसकी ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 3200 फीट बुलंद है, जहां पर इतराफ के नजारे बहुत ही खूबसूरत हैं। नाला देहात टिला जोगिया के नीचे वाले मकामात और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। क्यामे पाकिस्तान 1947 से कबल तक ये टिला जोगिया आबाद रहा, मगर क्यामे पाकिस्तान 1947 के बाद टिले पर मौजूद जोगियों का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ बकायदा सिखों की कमेटी बनी हुई थी जिससे इन जोगियों को माली और इंतजामी मदद मिलती थी। तकसीम के बाद जब ये वाजे हो गया कि पाकिस्तान मुसलमान रियासत है तो गैर मुस्लिम जोगी यहाँ से रुखसत हो गए और इसके बाद इस कदीम तरीन मकाम की तबाही के दिन शुरू हो गए। और अब इस मकाम का हाल ये है कि अदारों की अदम तवज्जो की वजह से आसारे कदीमिया का ये मकाम टूट फूट का शिकार है। लोगों ने खजानों की तलाश में यहाँ पर तबाही मचा दी, आसारे कदीमिया और तारीखी जगह को तबाह बर्बाद कर दिया। आज भी बहुत से लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं मगर यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलियात मुयसर ना है। रास्ता इंतहाई दुश्वार और पत्थरों से भरा हुआ है। अगर इस मकाम पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये मकाम टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन मकाम साबित होगा। दोस्तों, टिला जोगिया के इस तारीखी मकाम के मुतालिक अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।